खुशी के माहौल में ना काफी सारे लोग इस समय डरे हुए हैं क्योंकि कूकॉइन एक्सचेंज पर उन्होंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि आप बोल सकते हैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजेक्शन किए थे और उन्होंने ITR फाइल रिटर्न भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कूकॉइन एक्सचेंज पर जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे उन ट्रांजेक्शन को ITR में दिखाया ही नहीं। उन्होंने जो पैसा है वो किसी भी प्रकार से कैश आउट तो कर लिया है। वो सभी यूजर्स इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि कूकॉइन पहला ऐसा ग्लोबल एक्सचेंज या फिर आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो FIU के साथ में रजिस्टर्ड हो चुका है। FIU की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको कंप्लाइन करेगा। अब ये FIU है क्या, कैसे काम करता है और FIU के साथ में कूकॉइन एक्सचेंज रजिस्टर होने के बाद में क्या हमारा जितना भी प्रीवियस डेटा था वो शेयर कर देगा जिसके कारण हमें इश्यूज होने वाले हैं, और क्या अब सेम उसी प्रकार से हमारे जो टैक्सेशन है वो लगने वाले हैं जैसे हम इंडियन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, वहां पर हमारा 1% TDS लगता है और जो भी हम प्रॉफिट करते हैं उस पर 30% टैक्स लगता है। यहां पर एक और कंफ्यूजन होगा कि क्या कूकॉइन एक्सचेंज हमको स्पॉट ट्रेडिंग प्रोवाइड करवाएगा या नहीं, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग पर आप सभी को पता है कि 1% TDS डिटेक्ट होता है INR के पेयर में जब भी हम सेल करते हैं, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में बाय पर भी TDS कटेगा 1% और सेल पर भी TDS कटेगा। अब अगर आपको FIU के बारे में नहीं पता है तो FIU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, और FIU का जो काम होता है ना वो मॉनिटर करना होता है ट्रांजेक्शन को कि कोई गलत ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है, सस्पिशियस कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग पर जो नजर है वो रखता है FIU। और ऐसा नहीं है कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो FIU के साथ में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं, कोई भी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवा रही है उसको FIU के साथ में रजिस्टर्ड होना ही पड़ता है और तभी वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब कूकॉइन एक्सचेंज को किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं मिला, आप इसको लाइसेंस से मत जोड़िएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो FIU इंडिया है उसके साथ में रजिस्टर किया है, उनको सिर्फ यहाँ पर जो बिजनेस करने का ऑप्शन है वो गवर्नमेंट ने दिया है, यानी कि अब से जो कूकॉइन एक्सचेंज है उसके जो एप्लीकेशन है वो वापस से ऐप स्टोर पे आ जाएंगे एंड प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, एंड जो वेबसाइट है वो भी इंडिया में एक्सेसिबल रहेगी, यूजर्स उसको एक्सेस कर पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे, और इंडियन यूजर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई हाँ हम इन एक्सचेंज को तो यूज कर सकते हैं, ये FIU के साथ में रजिस्टर्ड है, लेकिन अब से उनको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई कूकॉइन एक्सचेंज पर मुझे टेंशन नहीं है, मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अब कूकॉइन एक्सचेंज जब FIU के साथ में रजिस्टर हो ही चुका है सो कूकॉइन एक्सचेंज जैसे अदर एक्सचेंजेस हैं वो डेटा शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ में, वैसे ही ये भी शेयर करेगा कौन यूजर कितना डिपॉजिट कर रहा है, उनका KYC क्या है, कितना ट्रेड कर रहे हैं, कितना विड्रॉल कर रहे हैं, इनकी A to Z जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मांगेगी तभी दिया जाएगा, अगर एक्सचेंज को लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है जैसे अदर इंडियन प्लेटफॉर्म को लगता है तो बिना मांगे भी शेयर कर देगी गवर्नमेंट को कि हमें ऐसा लगता है कि इस यूजर का जो ट्रांजेक्शन है वो काफी ज्यादा हो रहा है या फिर हमको लग रहा है कि सस्पिशियस एक्टिविटी है, तभी बिना मांगे भी शेयर कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ना काफी सारे कंफ्यूजन होंगे कि जब हम ट्रेड करेंगे क्या वहां पर TDS डिडक्ट होगा या नहीं होगा, या हमको ट्रेड करना नहीं है वहां पर, स्पॉट में सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। सो आने वाले समय में ही हमें देखने के लिए मिलेगा जब डिटेल्स हमारे सामने और बेहतर तरीके से आएंगी, क्या वहां पर हम सिर्फ जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो कर पाएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि जब भी हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं किसी भी कॉइन में सो वहां पर जो भी हम कॉइन को सेल करते हैं INR के पेयर में करेंगे सो 1% TDS लगेगा, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में करेंगे सो 1% बाय पे भी कटेगा और 1% सेल पे भी कटेगा। सो हमें देखना होगा कि जो स्पॉट ऑप्शन है क्या वो कूकॉइन एक्सचेंज पर हमें मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं सो वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं, क्रिप्टो को एक्वायर नहीं करते हैं, सो वहां पर TDS एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट पे जो टैक्स है ना वो एप्लीकेबल होता है, जो कि फिलहाल आप इंडिया में ऑलमोस्ट 2-3 प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेड कर सकते हो जो कि CoinDCX है, FIU के साथ में रजिस्टर्ड है, इसके अलावा डेल्टा एक्सचेंज है, एक नया वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है, बेसिकली पहले डेल्टा एक्सचेंज के नाम से था और एक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के नाम से, यानी कि इंडियन यूजर्स के लिए सेपरेट एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो और ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है Pi42, यहां पर आपको INR का पेयर मिलता है, यानी कि इंडियन रुपीज से आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो और ये पहला ऐसा एक्सचेंज है जहां पर आप इंडियन रुपीज के माध्यम से फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया में तो जहां पर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर पाओ। अगर आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज को यूज करना चाहते हो और अकाउंट बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इन सभी एक्सचेंज के बारे में सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी एक्सचेंज के लिंक मिल जाएंगे, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं कि कैसे ये एक्सचेंज पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सो प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे आप सभी का क्या मानना है कि अगला एक्सचेंज कौन सा होगा कूकॉइन एक्सचेंज के बाद में जो कि एफ
यू रजिस्टर्ड होगा। आप सभी अपना जो नाम है वो कमेंट करके बताएं।